Radhika, welcome to eTimes TV. Thank you so much. Thank you so much, Vijayalakshmi. And you know, ये बहुत बड़ा शो है, इतने सालों तक चला है. It's like you are going to now carry forward the legacy of ससुराल सिमर का. Any pressure at this moment? Any nervousness? I was nervous earlier. बट जब से शूट शुरू हुआ है, जब से मैं काम करना शुरू किया है मैंने, वो नर्वसनेस धीरे 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 मेरी कम हो गई है. बट या ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा रहता है उसका थोड़ा सा तो डर है. यू गाइज आर शूटिंग इन आगरा. आगरा तो हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस सो फार शूटिंग देयर? बिकॉज यू नो पैंडेमिक है, आप लोग आई एम श्योर घर से दूर हो गए सब लोग, यूनिट के साथ शूट कर रहे हो और काफी गाइडलाइंस में चेंजेस आ गए हैं. सो कितना नर्वसनेस, मिक्स्ड इमोशंस, किस तरह के अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है? ऑब्वियसली फैमिली से दूर काम करना थोड़ा सा टफ है, बट एटलीस्ट वी आर ब्लेस्ड, वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं, क्योंकि काम नहीं करना भी मेंटली बहुत टॉर्चरिंग होता है. एंड सब फॉलो कर रहे हैं रूल्स, सब मास्क पहन के रखते हैं सारे यूनिट सब, और सैनिटाइज भी हम करते रहते हैं. सो इट्स गोइंग स्मूथ, अभी तक तो स्मूथ है. फैमिली कितनी वरिड है, क्योंकि आप फैमिली से दूर रह कर वहाँ शूट कर रहे हैं, तो उन फैमिली तो वरिड, चेकिंग ऑन यू? या एवरी डे आई गेट अ कॉल, बेटा ठीक हो, खाना खाया, तबीयत ठीक है, दे मतलब वो है. बाकी आई एम फ्रॉम दिल्ली, मम्मा पापा दिल्ली में रहते हैं, तो मम्मी ने दवाइयाँ भेज दी हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, कीप ऑन टेकिंग दैट एज अ प्रिकॉशन, तो वो चीज है. एंड आपने पहले ससुराल सिमर का देखा है, आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में? हैव यू वॉच द शो? मैंने थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे थे. बहुत अच्छा शो था. बहुत मैं एक्चुअली अपने काम के वजह से नहीं देख पाई थी, वरना अगर मौका होता तो मैं देखती, जरूर देखती. एंड इट वॉज अ वेरी नाइस शो. जब मैंने स्टार्टिंग का पार्ट देखा है, यूज टू एंजॉय दैट शो. मैं देखती थी, मतलब डेली मुझे होता था कि हाँ मुझे बैठ के देखना है, ये शो आने वाला है, चलो देखते हैं. सो आई एम होपिंग कि अब ससुराल सिमर का सीजन 2 के लिए भी लोग इतने ही एक्साइटेड होंगे, 6:30 बजे लोग आ जाएंगे देखने की, हाँ अब SSK 2 आने वाला है, वी हैव टू वॉच इट. हम इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे स्टोरी को, इतना रिलेटेबल बनाएंगे कि लोग खुद मतलब आके बैठ के देखना चाहेंगे. तो राधिका, आपका जो ये कैरेक्टर है छोटी सिमर का, यू नो छोटी सिमर, बड़ी सिमर जो है वो छोटी सिमर ढूंढने निकली है. सो टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर वी वुड गेट टू सी यू इन. सो छोटी सिमर आजकल की लड़कियों जैसे ही काफी फन लविंग भी है, बबली है थोड़ी बहुत, बट इमोशनली बहुत अटैच्ड है अपनी अपने परिवार से, अपने परिवार वालों की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, ये सब उस मतलब हमेशा उसके दिमाग में चलता रहता है कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहती है वो. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट संगीत को लेके बहुत पैशनेट है, उसको संगीत बहुत पसंद है. तो ये सब चीज़ें हैं. अब ये सब चीज़ें वो ससुराल में कैसे क्या बोलते हैं उसको, ससुराल में कैसे इनकॉर्पोरेट कर पाएगी वो देखना पड़ेगा. या ऐसी है सिमर हमारी. प्लीज कैरी ऑन. एंजॉय करना भी जानती है, पर किसी को इमोशनली हर्ट भी नहीं करना चाहती. सो राधिका, आपका कैरेक्टर छोटी सिमर से कितना अलग है, एंड पर्सनल लाइफ में आपकी थिंकिंग क्या है कि एक यू नो जॉइंट फैमिली को संभाल के एक लड़की चल सकती है? और काफी बार यू नो स्पेशली गर्ल्स को बोला जाता है कि अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, बिकॉज यू हैव टू यू नो जेल इन द फैमिली, या फैमिली को लेके आगे चलना है. तो काफी सारी औरतें अपने कंट्री में, इट्स वेरी कॉमन, इट हैज हैपेंड विद आवर मदर्स, कि इन लोगों ने यू नो अपने ड्रीम्स को पीछे छोड़ दिया है. बट व्हेन इट कम्स टू यू राधिका, व्हाट इज योर माइंडसेट?
राधिका के लिए मतलब हाँ, इट्स अ स्ट्रगल फॉर यू नो इंडियन गर्ल्स की थोड़ा अपने करियर के लिए कन्विंस करना पड़ता है हमें. पर आई एम श्योर वो हमारी हमारे जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स, वो एक एक अलग जनरेशन में पले बड़े हैं जी. तो उनकी थिंकिंग भी मैं ये नहीं बोलूंगी टोटली गलत है, बट उनको वही सिखाया गया है. तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट हम उनको समझा सकते हैं, हम उनके वो माइंडसेट को बदल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि हम करियर में भी फोकस कर सकते हैं और हम घर का भी ख्याल रख सकते हैं. एंड फ्रेंकली राधिका के लिए बहुत लकी है, वो ब्लेस्ड है कि अंडरस्टैंडिंग फैमिली मिली है, उसको ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े और लोग समझ गए. बिकॉज माई मॉम इज ऑल्सो वर्किंग, तो हमारे लिए काम, लड़की का काम पे जाना इज वेरी इम्पोर्टेंट. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी और एनीथिंग, बट आपका दिमाग किसी चीज में एंगेज रहेगा, वो बहुत जरूरी. एंड इंडिपेंडेंट होते हैं आप, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते. इंडिपेंडेंट होते हैं आप, हाँ जी हाँ. राइट. बाकी राधिका इज ऑल्सो वेरी इमोशनल लाइक सिमर, शी इज ओके. So and how was the shooting experience with you know Jyoti Bhatia ma'am and Deepika Kakkar, because they have worked together for so many years, 6 years they have worked mm-hmm. together, तो उनकी एक अलग bonding होगी. आप इसमें you know नई character जुड़ी हुई हैं, उनके साथ आपकी first meeting कैसी थी? How was the first day on the set? Deepika ji के साथ मैंने scene किया है, तो it has been really nice, very sweet. बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छी तरीके से गाइड करती हैं. जयती मैम के साथ सीन करने का मौका अभी तक तो नहीं मिला है, बट आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हर एंड शी इज वेरी वेरी फन लविंग, वेरी फन लविंग बहुत ही. और आई एम श्योर मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगी उनसे प्रोफेशनली. या बहुत अच्छे दोनों के साथ मेरा बहुत ही वेरी स्वीट पीपल. And how was your first day on the set? Full of nervousness? Yeah, क्या किस तरीके का? I was nervous. I was a bit nervous जब तक मैं makeup room में थी. पर जैसे ही हम लोग on floor गए, मैं set पे गई, मैंने पहला shot दिया, वो nervousness ऐसे गायब हो गई. मतलब हाँ, अब यहीं पे रहना है काफी साल, तो nervous होके कुछ नहीं होने वाला है. Let's do it. यही था मेरा mind में. राधिका आपने यू नो शोज और भी किए हैं, यू हैव बीन पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट अगर आपके बैकग्राउंड की मैं बात करूं, टेल अस समथिंग अबाउट दैट. वर यू ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्टिंग? आपको हमेशा से करना था और इट हैपेंड एक्सीडेंटली? कहीं ना कहीं मन में था करना है एक्टिंग, बट आई थिंक आई वॉज नॉट श्योर, और किसी को बोला भी नहीं था मैंने कभी, क्योंकि इंडस्ट्री के बाहर से जब हम आ रहे हैं तो इट्स अ बहुत बड़ी बात है. आप मतलब घर पे बोलोगे तो पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, क्या होगा, ये सोच आता है ना मन में. बट मेरी एक दोस्त उन्होंने, उसको पता रहता, उनको भी ऐसे ओपनली नहीं बोला था कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, बट हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, जो हम ना भी बोले वो चीज़ भी समझ जाते हैं. तो उसने मुझे वो चीज़ बोला कि नहीं, प्लीज गो एंड ट्राई. सो वो उसने जब बोला तो मैं भी थोड़ी कन्विंस होके मैंने मम्मी को बोला, मम्मा मैं जाना चाहती हूँ, आप परमिशन दोगे तो जाऊंगी. तो उसके बाद मैं आई और फिर उसके बाद मैं वापस नहीं गई. I wanted to know, so आपके parents कितने supportive थे और कितनी जल्दी मान गए? Because you know, जैसे आपने कहा बाहर से आना और यहाँ पर अपनी जगह बनाना, it's not very easy for a you know for any outsider. So आपके लिए कितना difficult था और कितनी जल्दी मान गए? मेरे लिए difficult I think बिल्कुल भी नहीं था, because मैंने बहुत ही correct decision लिया. मैंने सबसे पहले मम्मी को जाके बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, और माय मॉम इज वेरी सपोर्टिव इन ऑल दिस थिंग्स. तो मैंने बोला आप तो मान गए हो, पापा मानेंगे कि नहीं, क्योंकि आप दोनों के परमिशन के बिना मैं जाऊंगी नहीं. तो मम्मी ने कहा मैं देख लूंगी, और मम्मी अगर मान गई तो पापा डेफिनेटली मतलब यू नो ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे. तो दोनों मान गए थे.
कुछ वक्त का मैं टाइम लेके आई थी कि इतने टाइम में मेरे को काम मिल गया तो मैं यहाँ रह जाऊंगी, वरना मैं वापस चली जाऊंगी, कुछ और परस्यू करूंगी। तो आई वॉज लकी इनफ कि मुझे आते ही कुछ 2.5-3 महीने में मेरे को पहला शो मिला मेरा, एंड उसके बाद बस अभी यहाँ पे हूँ, ससुराल सिमर का कर रही हूँ मैं। एंड व्हेन यू वर कमिंग टू जॉइन दिस इंडस्ट्री, वर यू प्रिपेयर्ड फॉर द यू नो रिजेक्शंस एंड फेलियर्स एंड क्रिटिसिज्म? क्या आप अपने आप को सॉफ्ट करना चाहते? बिल्कुल, मैं मम्मी को बोल के आई थी कि मैं 2 साल कोशिश करूंगी, लोगों को 12-12 साल लग जाते हैं, काम नहीं मिलता है, तो हो सकता है मिले, हो सकता है नहीं मिले, तो आई वॉज रेडी फॉर एनीथिंग। अगर एक्टिंग की बात करें, हु डू यू लुक अप टू राधिका, हु आर योर इंस्पिरेशंस? सो ऐसे एक नहीं है, मैं लाइक अब फेवरेट एक्टर अगर मैं बोलना चाहूँ तो मुझे शाहरुख जी मुझे बहुत पसंद है, मैं उनकी मूवीज बहुत देखती हूँ। और आजकल अब रियलिस्टिक एक्टिंग की तरफ हम चल जाना चाहें तो राजकुमार राव की मूवीज मुझे बहुत पसंद आती। आई यूज टू लव सुशांत राजपूत मूवी, बहुत मैं वो उनका मतलब बहुत, दीपिका की मूवीज मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो है एक मैं बोल सकती हूँ सिका, ये मूवी कोई एक मूवी मुझे बहुत पसंद आती है तो कभी कुछ। अब जैसे मुझे आई लव्ड पीकू, अमिताभ बच्चन, एंड पहले की भी मूवीज मैंने अमिताभ बच्चन जी की देखी, बट आजकल जो वो कर रहे हैं अलग इंस्पिरेशन है उनका। मैं एंड आई एम अ साउथ इंडियन, सो मेरे को साउथ की मूवीज बहुत पसंद आती हैं, मैं उनमें से काफी चीजें सीखती हूँ। यू नो बिफोर रैपिंग अप आई वुड लाइक टू नो राधिका कि आप फैंस को क्या बोलना चाहेंगी, जो लोग शो को देखने वाले हैं और जिन्होंने ऑलरेडी प्रोमोज देख लिया और बहुत कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, आपने जितना प्यार बड़ी सिमर दीपिका को दिया है प्लीज मुझे भी दीजिए, और मेरा शो देखिए 26 अप्रैल से आ रहा है, मंडे टू सैटरडे 6:30 बजे कलर्स पे, और आप वूट पे भी देख सकते हैं। Thank you so much, Radhika. It was a pleasure talking to you, and all the best for the show. Thank you.